है तू चैंपियन ही रहेगा। एक अपडेट मिल रही है, आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू सीट से अपना पर्चा भर दिया है। इसके बाद अब रोड शो चल रहा है जिसमें भाजपा के सभी बड़े नेता मौजूद हैं, क्योंकि आपको बताएं इस बड़े तो सिराथू से सीधे तस्वीरें मिल रही हैं। और हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का। मोइन इस वक्त कहां मौजूद है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? जी आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दो सेट में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। पहले सेट में वो खुद गए थे, अकेले उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया था, और उसके बाद दूसरी बार वो गए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ। और वहां से ये जो जनसभा जहाँ पर होनी है, वो लोग सामने जो वैन आप देख रहे हैं, एक खुला ट्रक है जिस पर एक मंच सजाया गया था, इसी पर सवार होकर के सारे नेता जो है वो सभा स्थल पर पहुंच रहे हैं। और अब इस वैन से, इस जो ट्रक है, इसे नीचे उतर रहे हैं, नीचे उतर कर सभा स्थल तक जाएंगे। और ये जो मंझनपुर का इलाका है, कौशाम्बी का जो मुख्यालय है, वो चारों तरफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से पटा पड़ा हुआ है। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, लगातार फूलों की बारिश की जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे उम्मीदवार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, उन सभी पर खास अंदाज में उन सभी का अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है और अग्रिम शुभकामनाएं दी जा रही इन सभी को। तो ये देख सकते हैं कि ये जो रथ है, ये रथ उतर रुक चुका है और जो नेता हैं वो नेता यहाँ इस पर से उतर चुके हैं। और हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जो जेपी नड्डा हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, ये सारे के सारे नेता अब इस जो वाहन है इससे उतर करके अब ये सभा स्थल की तरफ पैदल ही रवाना हो रहे हैं, पैदल ही बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर काफी भीड़ देखी जा सकती है, खासी गहमा गहमी देखी जा रही है। और जो कार्यकर्ता हैं, अकेले उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश से आए हुए हैं, अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं केशव प्रसाद मौर्य के नामांकन का हिस्सा बनने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए, अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए। और हम लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान और केशव प्रसाद मौर्य के, जो सारे नेता, ये देखिए ये बाईं तरफ की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सारे के सारे नेता जो हैं वो वैन से उतर करके मंच की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, मंच की तरफ लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये हम तस्वीरें आपको मंच की दिखा रहे हैं, ये मंच जो है बनाया गया है, ये सभा स्थल है, यहीं पर जेपी नड्डा को, बाकी नेताओं को इस सभा को संबोधित करना है। और जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के मुताबिक यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। और ये देखिए, ये सभा स्थल की हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी सभा स्थल पर कुछ ही पलों में जेपी नड्डा, केशव प्रसाद मौर्य, धर्मेंद्र प्रधान, अनुप्रिया पटेल, ये सारे के सारे नेता जो है यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, संबोधन करने वाले हैं। तब तक हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं कि बताइए कहाँ से आए हुए हैं और आपको क्या लगता है कि कौशाम्बी में, सिराथू में क्या कुछ? सिराथू मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, मंडल उपाध्यक्ष हूँ सिराथू। हाँ, भाजपा अच्छी वोट से जीतेगा। और ये देखिए, ये तमाम लोग हैं जो सर पर भारतीय जनता पार्टी की टोपी लगाए हुए हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा है वो झंडा लहरा रहा है। और मंच पर किसी भी वक्त जो नेतागण है वो पहुंचने वाले हैं। और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ देखिए, कई नेता पहुंच चुके हैं, सांसद विनोद सोनकर पहुंच चुके हैं, रीता बहुगुणा जोशी पहुंच चुकी हैं, और कुछ ही पलों में जेपी नड्डा, केशव प्रसाद मौर्य या जो बाकी नेता हैं वो मंच पर पहुंचने वाले हैं। नारेबाजी शुरू कर दी गई है और इंतजार उस पल का है कि जब सारे के सारे नेता मंच पर चढ़ जाएंगे, लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। और यहाँ पर आप देखिए कि मंच को खूबसूरती से सजाया गया है, भीड़ है। जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है कि 1000 से ज़्यादा लोगों की अनुमति देनी है, तो उससे भी कम कुर्सियाँ लगाई गई हैं, लेकिन तमाम अलग अलग हिस्सों से लोग आए हुए हैं इस वजह से। और ये देखिए, ये जो नेतागण हैं ये मंच पर धीरे धीरे करके चढ़ना शुरू कर दिए हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, सीधी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जेपी नड्डा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, धर्मेंद्र प्रधान, और ये एक एक करके जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो आगे की तरफ आ गए हैं और हाथ जोड़ करके सभी जो है वो अभिवादन करेंगे बड़े नेताओं का, केंद्रीय नेताओं का, जो कि आज की जनसभा के मुख्य अतिथि हैं, खास मेहमान हैं। और लगातार जोश के साथ नारेबाजी करने की कोशिश की जा रही है, ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि सिराथू में कोई मुकाबला नहीं होगा जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार
उम्मीदवार हैं वो मजबूत स्थिति में रहेंगे, और अकेले यही नहीं उत्तर प्रदेश में भी यही संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तो आप देखिए ये जो मंच पर जो है वो एक डायस बना हुआ है, डायस से जो है हाथ उठाकर नारेबाजी की जा रही है कार्यकर्ताओं में और समर्थकों में, और जो लोग आए हुए हैं उनमें जोश पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उनको ऊर्जावान बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि जोरदार नारों के साथ नेताओं का, जो केंद्रीय नेता हैं, उनका स्वागत किया जा सके। एक बड़ी सी माला भी रखी गई है और कुछ और ये रखे गए हैं, ये स्मृति चिन्ह हैं जो नेताओं को यहाँ पर दिए जाने हैं, और ये मंच की सीढ़ियों तक नेतागण पहुँच चुके हैं और किसी भी वक्त जो है किसी भी पल मंच पर ऊपर आ सकते हैं। तमाम दूसरे जो नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, आपको मंच पर सामने दिखाई दे रहे होंगे। देखिए मंच पर सामने दिखाई दे रही हैं इलाहाबाद की सांसद रीता बहुगुणा जोशी, कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर और तमाम दूसरे जो नेता हैं वो यहां आपको मंच पर दिखाई दे रहे होंगे। और लगातार एक बार फिर से भीड़ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए ये जो है भीड़, कुर्सियां जरूर सीमित संख्या में लगाई गई थी लेकिन बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, जोश और जज्बा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और पीछे की तरफ मंच पर कुछ है, सीढ़ियों पर रुक गए हैं लोग, नेता हैं, और अब वो किसी भी पल मंच पर ऊपर आ सकते हैं। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज दो बार अपना नामांकन दाखिल किया, पहले एक सेट में नामांकन दाखिल किया, अपने परिवार के लोगों के सदस्यों के साथ गए, वहाँ उन्होंने पर्चा दाखिल किया, और उसके कुछ देर के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पहुंची तो उनके साथ वो दोबारा नामांकन करने के लिए गए, एक अन्य सेट में उन्होंने नामांकन दाखिल किया। तो दो अलग अलग सेटों में उन्होंने नामांकन दाखिल किया, दो बार वो निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर तक गए और वहां जाकर के उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया। अगर कौशाम्बी की सिराथू सीट की बात करें तो यहाँ पर पटेल जो वोटर है, जो कुर्मी वोटर है, वो बड़ी संख्या में है, निर्णायक स्थिति में है, और समाजवादी पार्टी ने कुर्मी समाज के पल्लवी पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है, इसीलिए आज के कार्यक्रम में, नामांकन में, सभा में अनुप्रिया पटेल को, जो कि कुर्मियों की नेता मानी जाती हैं, पल्लवी पटेल की बहन हैं, उनको खास तौर पर यहाँ पर बुलाया गया है ताकि जो कुर्मी वोटर हैं, वोट हैं, उनका ध्रुवीकरण ना हो सके, वो यहाँ पर आए, और ज़्यादातर जो वोट हैं वो भारतीय जनता पार्टी और अपना दल गठबंधन के पक्ष में डलवा सके। इस वजह से अनुप्रिया पटेल को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, ज़्यादा मौका दिया गया है, और मंच पर और जो प्रचार वाहन हमने देखा था उस पर जेपी नड्डा के ठीक बगल में खड़ा किया गया था। तो इलाहाबाद की जो सांसद हैं चरिता बोगुणा जोशी, कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर और तमाम दूसरे नेता जो समय हैं, लखनऊ से आए हुए हैं, प्रयागराज से आए हुए हैं, तमाम अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, वो सब भी यहाँ पर मौजूद हैं। और नीचे जो है कुछ गुफ्तगू चल रही है जो बाहर से नेता आए हुए हैं, और उसके बाद ये सारे के सारे नेता अभी मंच पर चढ़ेंगे, हाथ हिला करके अभिवादन करेंगे, उसके बाद बड़े नेताओं का यहाँ पर संबोधन होगा, अपने अपने विचार रखेंगे, और उसके बाद जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान यहाँ से प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रयागराज में वो पार्टी दफ्तर जाएंगे, वहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर सिद्धार्थनाथ जो यूपी के कैबिनेट मंत्री हैं, जिनकी सभा में आज हंगामा भी हुआ था, उनके दफ्तर भी जाएंगे और वहाँ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान के दो अन्य कार्यक्रम हैं, प्रयागराज जा करके भी उन्हें कार्यकर्ताओं को संबोधित करना है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करनी है, वहाँ भी चुनावी मंत्र कार्यकर्ताओं को देना है कि किस तरीके से प्रयागराज या आसपास के जिले हैं वहाँ पर किस तरीके की रणनीति बनाई जाए, किस तरह से कार्यकर्ता सक्रिय होकर के काम करें। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सिराथू में मंझनपुर जो जगह है, मुख्यालय है कौशाम्बी जिले का, और ये लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें लगातार जबरदस्त भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। हालांकि चुनाव आयोग ने कोरोना की वजह से नियम बनाए थे तो कुर्सियां तो सीमित संख्या में लगाई गई थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हुए हैं। कई हमें लोग ऐसे मिले जो उत्तर प्रदेश के बाहर से आए हुए थे, और उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा जिला हो जहाँ से कार्यकर्ता और समर्थक ना आए हों, इस वजह से भीड़ यहाँ पर कुछ ज्यादा हो गई है। तो लगातार जो है वो नारेबाजी की जा रही है, कार्यकर्ताओं में जोश पैदा किया जा रहा है, और ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि सिराथू में कोई मुकाबला नहीं है, सिराथू की लड़ाई एक तरफा है, इस तरीके का संदेश जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनकी तरफ से देने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जेपी नड्डा के
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो सिराथू सीट के उम्मीदवार हैं केशव मौर्य, उन सभी के बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और अपना दल दोनों के झंडे साथ साथ लगाए गए हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि सिराथू में पटेल वोटर बड़ी संख्या में हैं, पटेल वोटर जो है वो निर्णायक स्थिति में है, वो कई बार जो है यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर साबित होते हैं। इसी वजह से अपना दल की जो नेता हैं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल हैं, उनको बराबर यहाँ पर जगह दी गई है, उनको जेपी नड्डा के साथ साथ रखा गया है। और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो है वो अपना दल के झंडे भी लगाए गए हैं। मंच पर भी आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगी हुई है, जेपी नड्डा की फोटो लगी हुई है, गृह मंत्री अमित शाह की फोटो लगी हुई है, और इन तीन नेताओं के अलावा जो चौथी फोटो लगी हुई है बड़ी फोटो, वो अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं और साथ ही साथ अपना दल एस की अध्यक्ष हैं, उनकी भी फोटो मंच पर जो पीछे बैकग्राउंड लगाया गया है, पीछे होर्डिंग लगाई गई है, उस पर रखी गई हुई है। तो ये जो कार्यकर्ता हैं लगातार जोश में हैं। और अभी अभी जो है प्रचार वाहन से जो एक मंच था उससे जो है जो वैन थी उस खुले ट्रक से वो सारे के सारे नेता नीचे उतरे थे और पैदल चल करके वो उठा रहे हैं। ये जो है ये चायल सीट के ठीक सेक रहे हैं कि हाथ उठाकर अभिवादन कर रहे हैं। चायल सीट के विधायक हैं संजय गुप्ता, हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी से पिछली बार विधायक थे, इस बार ये सीट गठबंधन में अपना दल के कोटे में चली गई है। अपना दल ने पूर्व सांसद नागेंद्र सिंह पटेल जो कि समाजवादी पार्टी के नेता थे उन्हें कल ही उम्मीदवार घोषित कर दिया था, उनका टिकट कट गया है संजय गुप्ता का, लेकिन उसके बावजूद वो आज के कार्यक्रम में सुबह से ही सक्रिय रूप से शामिल दिखाई दे रहे हैं। तो ये हालात यहाँ पर कौशाम्बी के सिराथू इलाके में आप देख रहे हैं जहाँ पर जनसभा है। और आज मौसम भी काफ़ी खुशनुमा है, हवा चल रही है, किसी वक्त आसमान में बादल छा जा रहे हैं और किसी वक्त जो है यहाँ पर तेज धूप निकल आ रही है। तो बहरहाल जो कार्यकर्ता हैं वो जोश के साथ हैं, उत्साह के साथ हैं और उन्हें उस पल का बेसब्री से इंतज़ार है कि कब उनके बड़े नेता आएंगे और उनके बीच संबोधन करेंगे, अपनी बातें को रखेंगे और कोई संदेश देंगे चुनाव को लेकर कि आखिर क्या कुछ किस तरीके से चुनाव मैदान में उतरना है, किस तरीके की रणनीति पर काम करना है। जी स्नेहलता, बिल्कुल मोइन, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं जिस तरीके का समर्थन दिखाई दे रहा है, लोगों की मौजूदगी दिखाई दे रही है, मौसम ठंड और जो हवा चल रही है जिसका जिक्र भी आप कर रहे हैं उससे इतर ये मंच की तस्वीरें भी हमारे सामने हैं और बड़ा नामांकन हो चुका है। इसके साथ ही आज मंच की जो तस्वीरें निकल करके आएंगी वो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक संदेश देने के लिए भी काफी होंगी कि एक बड़े नाम पर नामांकन के साथ यहां शक्ति प्रदर्शन भी है। और देखिए इस मंच पे जो लोग मौजूद हैं उनको सुनने के लिए ये लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे। देखिए ये दोनों ही तस्वीरें आपके सामने हैं, मंच की तस्वीरें हैं, मंच सज चुका है, तैयारी है, किसी भी वक्त संबोधन हो सकता है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि ओपन जीप ये इस गाड़ी में सवार होकर किस तरीके से नॉमिनेशन के बाद से कार्यक्रम स्थल तक तमाम नेता पहुंचते हैं एक साथ। तो इस बड़ी तस्वीर पर हमारी